बहुत बढ़िया जगह है बुदापेस्ट. हम लोग लास्ट ईयर वहां गए थे. सो हंगरी का ये एक आदमी है जिसका नाम है कैरोली टाकस, और ये कहानी जाती है 1938 में, 1938 में हंगरी का ये सबसे अच्छा पिस्टल शूटर था. पिस्टल जो 25 मीटर की जो पिस्टल शूटिंग थे इसमें वो सबसे बढ़िया शूटर था, और वो राइट हैंड शूटर था. 1938 में पूरे हंगरी यानी कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही थी, और पूरे देश में हर कोई आदमी कहता था कि यस हंगरी को ये आदमी जरूर एक गोल्ड मेडल दिलाएगा. और हर कोई आदमी एवरीबडी वॉज प्रेजिंग, और सब कुछ तैयार था. बेस्ट ऑफ द बेस्ट शूटर था. उसके जो शूटिंग में जो उसके जो ग्रेड्स आते थे या जो जो पॉइंट्स आते थे वो भी बहुत बेहतर थे. 1938 में किसी कारणवश एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें जो कैरोली टाकोस था उसके हाथ में ग्रेनाइट फट गया. उसका राइट हैंड पूरी तरह से नाकामयाब हो गया. अब ये आदमी के पास दो चॉइस थे. एक चॉइस ये था क्योंकि वो मिलिट्री में था और ड्यूटी के वक्त उसका अगर हाथ के अंदर ग्रेनेड फटा है तो गवर्नमेंट के तरफ से उसको पूरी ग्रांट मिलेगी, गवर्नमेंट के तरफ से पूरा रिकॉग्निशन मिलेगा और सारा खर्चा उसको गवर्नमेंट के तरफ से मिलेगा, तो वो आराम से जिंदगी आगे की काट सकता था. दूसरा उसके पास ऑप्शन ये था कि वो फाइट करे और अपने लेफ्ट हैंड को अपना बेस्ट शूटिंग हैंड बनाए. दोस्तों कितनी तकलीफ हो रहेगी आप सोचो कि अगर आपको कोई लेफ्ट हैंड से लिखने के लिए भी कहे तो क्या आप लिख सकते हैं? हाथ कांपेंगे. जब खाना खाने के लिए भी कोई अगर कहता है तो भी थोड़े बहुत हाथ कांपते हैं, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, राइट हैंड की हमें आदत होती है. ये आदमी ने डिसीजन लिया, पावर ऑफ डिसीजन. देखो दोस्तों डिसीजन कितना कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पावर ऑफ डिसीजन. इससे डिसीजन ले लिया कि कोई बात नहीं, मेरा अगर राइट हैंड नहीं काम कर रहा है मैं लेफ्ट हैंड से अपने आप को इतना बेहतर बनाऊंगा कि मैं अपने लेफ्ट हैंड को हंगरी का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाऊंगा. इसने डिसीजन ले लिया, और जैसे ही आदमी डिसीजन लेता है ना थिंग्स स्टार्टेड चेंज. 1940 में हंगरी की जो नेशनल चैंपियनशिप हुई ये शख्स वहां पर गया. तो ये शख्स जब वहां पर गया तो सारे उसके जो कलीग्स थे या फेलो जो उसके जो कॉम्पिटिटर थे ये सारे लोग उसको कहने लगे क्या बात है, देखो इसका जज्बा, एक हाथ खराब होने के बावजूद भी ये शूटिंग हमको हम लोगों को चेयरअप करने के लिए आया है. तब उसने कहा कि मैं आप लोगों को चेयरअप करने नहीं आया हूं, मैं आप लोगों के साथ कॉम्पीट करने आया हूं. और दोस्तों उसने लेफ्ट हैंड से शूटिंग शुरू की और हंगरी का फिर से वो लेफ्ट हैंड से नेशनल चैंपियन बन गया. यहां नहीं रुका दोस्तों, इसका जो उसने डिसीजन लिया था कि भाई उसको ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हंगरी को दिलवाना है, उसके लिए उसने काम शुरू. उसका वो गोल था, उसका वो डिसीजन था कि मुझे अपनी कंट्री को पिस्टल शूटिंग में गोल्ड मेडल दिलाना है. 1938 में एक्सीडेंट हुआ, 1940 में वो उसने लेफ्ट हैंड से चैंपियनशिप जीती, 1944 की ओलंपिक्स थी. लेकिन वर्ल्ड वॉर के वजह से वो ओलंपिक्स कैंसिल हो गई, 1948 आया क्योंकि हर चार साल के बाद में ओलंपिक्स होती है. अब सोचो दोस्तों 1938 में वो आदमी का एज था 28 साल और 1948 में उसका एज हो गया 38 इयर्स. दोस्तों मैं बात कर रहा हूं ओलंपिक्स की, स्कूल शूटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पर 10 साल में आदमी अगर प्रैक्टिस ना करे तो वो आदमी कंपीट ही नहीं कर सकता है. बिकॉज ही हैव टू, उसको कंपटीशन बेस्ट ऑफ द बेस्ट एथलीट से होता है. दोस्तों 10 साल में तो 2 साल में तो लोहे को भी जंग लग जाता है, ये तो एक आम इंसान है. लेकिन इसका माइंडसेट और पावर ऑफ डिसीजन जो उसने लिया था कि मुझे कुछ भी करना है, मुझे अपने कंट्री को गोल्ड मेडल दिलाना है, और उसने अपने लेफ्ट हैंड से वन ऑफ द बेस्ट शूटिंग हैंड बनाया, और दोस्तों वही हुआ जो उसने सोचा था. 1948 में उसने अपने कंट्री के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया. नहीं वो
उनका नहीं, सोचो उसका माइंडसेट कितना पावरफुल होगा। 10 साल के बावजूद भी वो रुका नहीं, और 1948 के बाद में 1952 की जो ओलंपिक्स होगी उसमें भी उसने गोल्ड मेडल लिया और एक नया रिकॉर्ड सेट किया। दिस इज द पावर ऑफ डिसीजन। अगर आप डिसीजन लेते हैं कि मैं आज के बाद में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं अपने फैमिली को हर कोई चीज देना चाहता हूं जो उसके लिए बनी है, मैं अपने आप को इतना काबिल बनाऊंगा कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, बट आई विल बी द बेस्ट, आई विल क्विट माई फैमिली द बेस्ट, और मैं कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर आज यहां से आप उठते हैं और ये डिसीजन लेते हैं दोस्तों, तो जो कैरोलिन टकोस को भी कोई रोक नहीं पाया ना, आपको भी कोई रोक नहीं पाएगा। थैंक यू एंड विश यू वेल।